हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब? होप यू आर डूइंग वेल। अच्छे से सारा कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? चैप्टर को अच्छे से रीड कर रहे हो ना? ओके, नाइस। सो टुडे इज अवर टॉपिक इज, आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? आर क्लोथ्स। हमें अपने क्लोथ्स के बारे में पढ़ना है। सो व्हाई डू ह्यूमन नीड्स क्लोथ्स? हमारे लिए क्लोथ्स की ज़रूरत क्यों है? तो हमारे लिए क्लोथ्स की ज़रूरत क्यों है बच्चों? हम सोच सकते हैं बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं बच्चों क्लोथ्स हमको? हीट, कोल्ड, रेन, मतलब बारिश से भी बचा रहे हैं, धूप से भी बचा रहे हैं, गर्मी से भी बचा रहे हैं, साथ में ठंडी से भी बचा रहे हैं। सो वी ऑल नीड क्लोथ्स, टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। अब क्लोथ्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? तो ये देखा होगा बच्चों, हम लोग अलग अलग सीजन्स में अलग अलग टाइप के क्लोथ्स जो हैं वो पहनते हैं, है ना? तो वो हो जाएंगे हमारे टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, ठीक है? सो नाउ देयर आर सो मैनी क्लोथ्स ऑफ, इन दिस वी हैव अ क्विक एक्सरसाइज टू डू, है ना? इन दिस एक्सरसाइज लेट अस बिगिन। हेयर यू हैव टू डू, देयर आर सो मैनी क्लोथ्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग काइंड्स के बहुत सारे क्लोथ्स होते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू नेम दीज क्लोथ्स। बॉक्स से हमें एक करेक्ट नेम चूज करना है और इसमें फिलअप करना है। सबसे पहले है बच्चों यहाँ पे स्वेटर। तो इन इमेजेस में आपको स्वेटर कहाँ दिख रही है बच्चों? दिस सेकेंड वन, यस करेक्ट, है ना? यहाँ पे ये क्या है बच्चों? स्वेटर है। नाउ सेकेंड में ये हमारा क्या है? कैप। कैप कहाँ है यहाँ पे? सबसे जो लास्ट इमेज है बच्चों वो किसकी है? कैप की है, गुड। नाउ स्कर्ट, यहाँ पे स्कर्ट कहाँ है? तो जो सेकेंड लास्ट इमेज है वो कौन सी है? स्कर्ट की है। नेक्स्ट इज ट्राउजर, ट्राउजर कहाँ पे है? तो जो थर्ड इमेज है हमारी वो किसकी है बच्चों? ट्राउजर की है। नेक्स्ट इज जैकेट, तो जो सबसे फर्स्ट इमेज हमारी बनी हुई है वो किसकी है? जैकेट की है, वेरी गुड। नाउ लास्ट इज शॉर्ट्स, शॉर्ट्स कहाँ है? तो ये जो फोर्थ इमेज में क्या है बच्चों? ये है शॉर्ट्स। नाउ अवर चैप्टर स्टार्ट्स हियर, व्हाई डू ह्यूमन नीड्स क्लोथ्स? ह्यूमन को क्लोथ्स क्यों चाहिए? तो लाइक फूड, क्लोथ्स आर ऑल्सो वन ऑफ अवर बेसिक नीड। जैसे फूड हमारे लिए एक बेसिक नीड है, इसी तरीके से क्लोथ्स भी हमारी क्या है? बेसिक नीड्स है। वी वेयर क्लोथ्स टू कवर अवर बॉडी। क्लोथ से हम अपनी बॉडी को भी कवर कर सकते हैं, करते ही हैं हम अपनी बॉडी को कवर क्लोथ से। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, कोल्ड, हीट एंड विंड। ये हमको किससे प्रोटेक्ट करते हैं? रेन, कोल्ड, हीट और विंड से, इनसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, सो वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डे। दिन में अलग अलग टाइम में हम अलग अलग प्रकार के क्लोथ्स जो है वो पहन सकते हैं। कैसे? वी वेयर अवर स्कूल यूनिफॉर्म टू स्कूल। अगर हमें स्कूल जाना है मॉर्निंग में तो हम क्या वेयर करेंगे बच्चों? स्कूल यूनिफॉर्म पहनेंगे, है ना? तो यस वी वेयर स्कूल यूनिफॉर्म। देन वी चेंज क्लोथ्स ड्यूरिंग प्ले टाइम। जब हम खेलने जाते हैं तो हमारे अलग क्लोथ्स होते हैं। एंड वेयर आवर नाइट ड्रेस टू स्लीप। जब हम सोने जाते हैं तो अपना नाइट सूट, नाइट ड्रेस होती है हमारे पास पहनने के लिए। तो सोचो हम एक दिन में, प्रॉपर वन डे में भी हम कितने टाइप्स के क्लोथ्स को यूज करते हैं। वी ऑल्सो वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन। इसी तरीके से जैसे जैसे सीजन बदलते हैं तो क्लोथ्स भी बदलते हैं। एंड डिफरेंट ओकेशंस, अगर हमारे यहाँ अलग अलग ओकेशंस हैं तो उनमें भी हम अलग अलग टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं। डू यू नो अर्ली ह्यूमन वोर एनिमल स्किन एंड लीव्स। पहले तो क्लोथ्स हुआ नहीं करते थे बच्चों, तो जो अर्ली ह्यूमन बींग्स है वो क्या पहनते थे? तो अर्ली ह्यूमन बींग्स जो है वो एनिमल्स की स्किन पहना करते थे, डेड एनिमल्स की स्किन और पहना करते थे, अदरवाइज प्लांट्स की लीव, ठीक है? ये उनके क्लोथ्स हुआ करते थे। नाउ समर सीजन, हेयर वी वर स्टडिंग अबाउट समर सीजन। सो वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर सीजन। समर सीजन में हम कौन से कपड़े पहनते हैं बच्चों? तो समर सीजन में हम पहनते हैं कॉटन क्लोथ्स। क्यों पहनते हैं? बिकॉज दे एब्जॉर्ब अवर स्वेट एंड कीप अस कूल। क्योंकि गर्मियों में हमें क्या होता है बच्चों? बहुत स्वेट आता है, पसीना आता है, तो जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो उसे एब्जॉर्ब कर देते हैं और हमें ठंडा फील कराते हैं। दे आर वेरी लाइट और बहुत लाइट वेटेड भी होते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको देखो शर्ट, कुर्ता, पजामा, फ्रॉक, कैप, ये सब आपको कौन से सीजन्स के क्लोथ दिख रहे हैं बच्चों? दीज ऑल आर क्लोथ्स फॉर द समर सीजन। ये समर सीजन्स के क्लोथ्स हैं। नाउ वी हैव विंटर सीजन।
सो वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर्स. विंटर्स में हम क्या करते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं बच्चों. क्यों, दे कीप अवर बॉडी वार्म, क्योंकि वो हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, ठंड से हमको बचाते हैं. दे आर मेड फ्रॉम वूल फाइबर, किससे बनते हैं, वूल, ऊन से बनते हैं. वी ऑल्सो वेयर सिल्क एंड लेदर क्लोथ्स इन विंटर, साथ में हम सिल्क और लेदर के कपड़े भी विंटर में पहनते हैं, क्योंकि वो भी हमको वार्म रखते हैं. तो यहाँ देखो बच्चों, साइड में विंटर क्लोथ्स की इमेजेस हमारे पास हैं. ये जैकेट, सॉक्स, कैप, ग्लव्स, स्वेटर, ये सब कब पहनते हैं, विंटर सीजन में पहनते हैं. नाउ वी हैव रेनी सीजन, सो वी वेयर रेन कोट्स इन रेनी सीजन. रेनी सीजन में हम क्या करते हैं, रेन कोट्स पहनते हैं बच्चों. दे कीप अस ड्राई, वो हमको ड्राई सूखा रखते हैं, अदरवाइज हम बारिश में भीग जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे. वी ऑल्सो यूज एन अम्ब्रेला एंड गम बूट्स वैन वी गो आउट इन द रेन. तो ये देखो बच्चों, ये इमेज किसकी है, गम बूट की. जब हम बाहर जाते हैं रेनी सीजन में तो गम बूट्स भी पहनते हैं, और किसका यूज करते हैं, अम्ब्रेला का भी यूज करते हैं जब बारिश होती है, साथ में रेनकोट का भी. नाउ वी हैव यूनिफॉर्म्स, सो सम पीपल वेयर स्पेशल क्लोथ्स, कुछ लोग स्पेशल क्लोथ्स पहनते हैं, और वो उनकी क्या होती है बच्चों, आइडेंटिटी होती है. सपोज दैट जो पुलिसमैन है वो पुलिस यूनिफॉर्म पहना हुआ है, तो हमें दूर से ही पता चल जाएगा कि वहाँ पे कोई पुलिस ऑफिसर खड़ा हुआ है. क्यों, क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म उसकी आइडेंटिटी है. जैसे कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है, वो स्कूल ड्रेस में अपने स्कूल जा रहा है, तो हमको दूर से ही पता चल जाएगा कि ये क्या है, एक स्टूडेंट है, ये स्कूल जाता है ना. तो कुछ यूनिफॉर्म्स ऐसी होती हैं जो उनको किसी एक पर्सन को आइडेंटिफाई करती हैं. दे आर कॉल्ड देयर यूनिफॉर्म्स स्पेशल क्लोथ्स, को उनको यूनिफॉर्म्स बोलते हैं. यू ऑल्सो वेयर योर स्कूल यूनिफॉर्म, हम भी क्या करते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म. आप बच्चों जाते हो ना स्कूल, स्कूल में क्या पहनते हैं, तो स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं. सपोज दैट ये ड्रेस किसकी है बच्चों, सोल्जर की है, ये डॉक्टर की है, ये पुलिस की है. सो वी मस्ट ऑलवेज वेयर क्लीन क्लोथ्स, क्लीन क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट. हमें हमेशा साफ कपड़े पहनना चाहिए, तभी हम उसमें स्मार्ट दिखते हैं. और स्कूल में भी गंदे कपड़ा पहनना अलाउड नहीं है ना, टीचर डांटती है, हमेशा बोलती है कि आपके क्लोथ्स नीट एंड टाइडी होने चाहिए. वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ अवर क्लोथ्स, हमें अपने कपड़ों की भी का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें प्रॉपर तय बनाकर प्रॉपर घड़ी करके रखना चाहिए, साथ में प्रॉपरली आयरन करना चाहिए, टाइम टू टाइम उन्हें वॉश करना चाहिए, जिससे हमारे कपड़े नीट एंड टाइडी दिखे. सम पीपल लाइक द पोस्टमैन एंड द पुलिसमैन ऑल्सो वेयर यूनिफॉर्म्स टू वर्क. मतलब पुलिसमैन पोस्टमैन अपने जब काम पे जाते हैं तो उनकी भी एक अपनी यूनिफॉर्म होती है जो वो पहनते हैं. नेक्स्ट इज क्लोथ्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. क्लोथ्स, हमें ऐसे क्लोथ्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो हमें प्लांट से मिलता है, और कुछ ऐसे क्लोथ्स जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं. तो क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम क्लॉथ, कपड़े से ही बनते हैं. वी गेट क्लॉथ फ्रॉम क्लॉथ, कहाँ से मिलता है, प्लांट्स और एनिमल से मिलता है. तो अब प्लांट से कौन से क्लॉथ मिलते हैं, तो कॉटन. वी मेक क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, जो कॉटन के कपड़े हैं वो कॉटन से जो बनते हैं. वी गेट कॉटन, कॉटन कहाँ से मिलता है, कॉटन के प्लांट से, कॉटन का प्लांट होता है बच्चों. और स्वेटर्स आर मेड फ्रॉम वूल, स्वेटर जो है वो वूल, ऊन से बनते हैं. और वूल हमें कहाँ से मिलता है, वी गेट वूल फ्रॉम शीप, हमें शीप से वूल मिलता है. Now we have raincoat. So a long waterproof coat made up of rubber. वो जो raincoat हम पहनते हैं वो किससे बना होता है बच्चों, रबर से. और हमें वो किससे प्रोटेक्ट कर रहा होता है, रेन से. रेनकोट, रेन से ही समझ में आ रहा है कि वो हमें रेन से प्रोटेक्ट करता है. Now we have gum boots. So a long rubber boot. Gum boots भी रबर के बने होते हैं. We wear clothes to cover our body. हम clothes क्यों पहनते हैं, अपनी body को cover करने के लिए. Clothes protect us from heat, cold, wind and rain. क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं हीट, कोल्ड, विंड और रेन से. वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन, हम अलग अलग सीजन में अलग अलग टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं. नाउ वी हैव अ एक्सरसाइज टू डू. इन दिस यू हैव टू डार्कन द करेक्ट सर्कल, इस तरीके से आपको डार्क करना है. वी वेयर डैश इन समर, समर में हम क्या पहनते हैं बच्चों, स्वेटर नहीं पहनेंगे, गम बूट्स तो रेन में पहनते हैं, जैकेट ठंडी में पहनते हैं, कोल्ड सीजन जब होता है विंटर, तो हम क्या पहनते हैं समर में, शॉर्ट्स पहनते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज शॉर्ट्स. वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द, हम क्लोथ्स जो है वो किसके अकॉर्डिंग पहनते हैं बच्चों, सीजन के अकॉर्डिंग. जैसे जैसे सीजन चेंज होता है क्लोथिंग हैबिट्स भी हमारी चेंज होती है. वुलन क्लोथ्स कीप अस, वुलन क्लोथ्स हमें क्या करती हैं, तो हम इन्हें ठंड में पहनते हैं, तो ठंड में हमें क्या चाहिए, गर्मी, तो ये हमें क्या रखेंगे, वार्म रखेंगे.
फिर आई स्टूडेंट वेयर्स, आई स्टूडेंट क्या पहनता है, तो स्टूडेंट क्या पहनते हैं, यूनिफॉर्म, हम लोग रोज स्कूल जाते हैं वो यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, वी वेयर क्लोथ्स टू ड्रेस अवर बॉडी, हम अपनी बॉडी को कवर करने के लिए क्या पहनते हैं, क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब डैश एंड कीप अस कूल, कॉटन क्लोथ्स क्या एब्जॉर्ब कर लेता है बच्चों, तो स्वेट, पसीने को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें ठंडा फील कराता है। वी गेट डैश फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स, डेड एनिमल्स की स्किन से हमें क्या मिलता है बच्चों, लेदर मिलता है, ठीक है। लेदर के शूज पहनते हैं हम, लेदर की जैकेट पहनते हैं, तो ये हमें किससे मिलता है, डेड एनिमल से मिलता है। दिस वन इज थर्ड, दिस वन इज सेकेंड एंड लास्ट वन इज फोर्थ, तो लास्ट में क्या है, अर्ली मैन वोर एनिमल स्किन एंड अर्ली, जो ह्यूमन बींग्स होते थे जब क्लोथ्स नहीं होते थे तो वो या तो वो एनिमल की स्किन पहनते थे या लीव्स, पेड़ों की पत्तियां पहनते थे। नाउ वी हैव ट्रू एंड फॉल्स, जो सही है वहां टी होगा, जो गलत है वहां फॉल्स एफ होगा। वुलन क्लोथ्स आर बेस्ट फॉर समर, वुलन क्लोथ्स क्या हम समर में पहनते हैं, नो दिस इज रॉन्ग। Clothes protect us from rain, heat and cold. Clothes हमें इनसे protect करते हैं. Yes, this one is true. A raincoat coat is used in the winter season. Winter season में raincoat use होता है. No, this one is false. क्योंकि ये कब होगा? Rainy season में use होगा, है ना? Rainy season में हम इसको use करेंगे. Now last one is silk is obtained from the hair of sheep. Silk जो है हमें sheep के hair से मिलता है. No, हमें वहाँ से तो wool मिलता है. तो ये भी क्या हो गया बच्चों? False हो गया. ठीक है, अच्छे से ये चैप्टर आपको समझ में आया है ना, ध्यान से देख लो इस चैप्टर में, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको समझ में ना आए, बहुत इजी चैप्टर है। और अब हम जब जब क्लोथ्स पहनेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि ये क्लोथ्स हम क्यों पहन रहे हैं, क्योंकि समर सीजन है, कॉटन जो है कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं स्वेट को और हमें ठंडा फील कराते हैं, इसलिए हम कॉटन क्लोथ्स पहन रहे हैं। जैसे ही विंटर आ जाए तो हम वुलन क्लोथ्स पहनने लग जाएंगे। तो इस तरीके से आप सीजन को भी आइडेंटिफाई करोगे और क्लोथ्स को भी सीजन के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करोगे। ओके, सो थैंक यू क्लास।